ये पीछे जो आप लोगों को नजर आ रही है ये जन्नत की सारी तस्वीर है जी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक विद अनदर व्लॉग। और आपका भाई जो है आज बिल्ली को ऐसे उठाया हुआ है और आप लोगों ने जैसे देखा ही होगा कि ये हमारे सिम्बा साहब थे। और सिम्बा साहब को आज जो है हम लोग मिलाने जा रहे हैं और उसका व्लॉग आप लोगों को बना के दिखाएंगे। जन्नत, आपके सिम्बा को मिला दूँ? वो दत्ता है, सिम्बा दत्ता है, वो दत्ता है, ये कह रही है सिम्बा दत्ता है, वो दत्ता है। और अब हम लोग आपको वीडियो में आगे लेते हैं, आ जाए सिम्बा को नहलाते हैं। क्योंकि ये हमारा पहली दफा नहलाने का इसका एक्सपीरियंस है, नहीं बल्कि दूसरी दफा नहलाना मैं आता। और हम लोग इसको जो है सनसिल्क शैम्पू से नहलाने का आज सोच रहे हैं, सनसिल्क ग्रीन से, गोल्डन से नहीं, ग्रीन से। काट ही ना ले बेटा हाथ से। हाँ नहीं, मुंह से नहीं डाल दो, मुंह को जब तक निकालो। इसी दफा कितना छोटा था ना, इतना बड़ा हुआ है। भाई काट ना, ध्यान करते हैं आप, बस पानी बहा दो अपने पेट सिम्बे पे, तो नहाने का मूड नहीं है इसका साबुन से। मैंने नहला दूंगा इसको। जनक सिम्बा को बोलो चुप हो जाओ। क्यों लो रहे हो? नहाते नहीं हो? सब नहाते, आप क्यों नहीं नहाते? बोल, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। सिम्बा को बोल ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। सिम्बा ने तो भाई मचा दिए। बस है, यार इसकी आंखों में ना चला जाए यार, पानी नहीं जा रहा, आंखें बंद है। एक ही दम डाल देना ताकि फिर एक ही दम वो हो जाएगा, सेट हो जाएगा था। नो नो कितना दफा हो डब्बे में हैं, फिर तो पानी आ रहे। और सिम्बा को देखो नहलाने के बाद सिम्बा की शक्ल ये निकली है, बिज्जू हो गया सिम्बा, बिल्कुल बिज्जू टाइप का हो गया। अभी इसको हमने हेयर ड्रायर मारा, ये पड़ा हुआ हेयर ड्रायर, हमने इसको हेयर ड्रायर मारा था। अभी इसको हम थोड़ी देर धूप में रखते हैं, उसके बाद ओके हो जाएगा। और जी हम लोगों ने सिम्बा को नहला दिया है। सिम्बा को नहलाने के बाद अब हम लोग खुद भी नहा धो के पुराने से कपड़े पहन के आ गए। और ये पीछे जो आप लोगों को नज़र आ रही है ये जन्नत की सारी तस्वीरें जी। हाँ, ये जन्नत की बचपन से लेके बचपन तक की इधर तस्वीरें लगाने का हमने सोचा। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, छोटी सी व्लॉग थी क्योंकि जो है सिम्बा को हमने नहलाया था। सिम्बा ने हमारे को दो चार जगह पर नाखून भी मारे हाथ पे, लेकिन खैर है चलता है। और जन्नत को, मेरे ख्याल में जन्नत को मार पड़ी और जन्नत रो रही है। जन्नत आपको क्या हुआ है? जन्नत को देखा मार पड़ गई है। क्यों मार पड़ी है आपको? बता दो सबको, किसने मारा है, किसने मारा है आपको, जल्दी से बता दो। कहाँ जा रही हो? अभी तैयार हो गए हैं? चलो बाय बाय बोलो सबको, बाय बाय बोल दो, रोते रोते बाय बाय। और जिन्होंने रोते रोते आप लोगों को अल्लाह हाफिज़ कह दिया है, तो इसके साथ हम भी अल्लाह हाफिज़ कहते हैं। मिलते हैं अगले व्लॉग में।